हे गाइस, वंस अगेन वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज अंजना. कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल. सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो. इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वायरल हेयर केयर रेंज ऑफ प्लम गुडनेस. देयर इज अ कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड हेयर केयर रेंज. ये सारे प्रोडक्ट मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ. इनका जो रिजल्ट है ना, मेरे बालों पे काफ़ी अच्छा मुझे लगा है. जो भी केमिकल ट्रीट्स होते हैं बालों को, या हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो हमारे बाल ना काफ़ी डैमेज हो जाते हैं. तो जो ये प्लम गुडनेस का ये हेयर केयर रेंज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस तरीके के बालों के. और मैंने काफ़ी सुना था कि 22 टाइम्स शाइनियर इन ओनली वन रिजल्ट. तो मैंने सोचा मुझे भी ट्राई देना चाहिए. सो आई हैड ट्राई इट एंड गाइज, ट्रस्ट मी, आई लव फॉल इन लव विद दिस प्रोडक्ट. तो मैं आप लोगों से इन्हीं प्रोडक्ट का शेयर करने वाली हूँ. वन बाई वन मैं आप लोगों से तीनों प्रोडक्ट शेयर करूंगी. तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है. अगर अभी तक नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल बटन भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके. तो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, दीज आर द प्रोडक्ट विच आई रिव्यू इन दिस वीडियो. तो फर्स्ट वन इज़ प्लम कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड स्ट्रेंथन एंड शाइन शैम्पू विच इन्हेंस एंड नरिश योर हेयर्स. सेकेंड वन इज़ प्लम कोकोनट पेप्टाइड स्ट्रेंथ एंड शाइन हेयर मास्क विच इन्हेंस शाइन नरिश एंड प्रिवेंट ब्रेकेज विद शिया बटर एंड स्क्वालिन. थर्ड वन इज़ कोकोनट एंड स्क्वालिन न्यूट्री शाइन हेयर सीरम. ये कंट्रोल करता है आपके फ्रीज को एंड ऐड करता है ग्लॉसी शाइन आपके बालों. सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, मेरे बाल कितने ड्राई, फ्रीजी और डैमेज से लग रहे, बेजान से लग रहे हैं. एक्चुअली क्या है, मैंने काफ़ी केमिकल ट्रीटमेंट लिए है, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग. तो इस टाइप से ना मेरे बाल काफ़ी डैमेज हो गए. सो गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं शैम्पू की, जो कि है प्लम कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड स्ट्रेंथन एंड शाइन शैम्पू नरिशेस एंड इनहेंस शाइन. तो ये जो शैम्पू है ना, ये फर्स्ट वॉश में ही 22 टाइम शाइनियर बनाता है हमारे हेयर्स को, क्योंकि ये बालों में 5 तरीके के बेनिफिट्स भी देता है. नेचुरल शाइन को इन्हेंस करता है, वॉल्यूम को ऐड करता है, बालों को स्ट्रेंथन करता है, बालों में जो मॉइस्चर होता है ना उसको भी रीस्टोर करता है. ये पैराबन फ्री है शैम्पू, और साथ ही साथ जो इसकी फ्रेगनेंस है ना वो कोकोनट वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. स्मेल करके ही ना आपको बिल्कुल कोकोनट वाला फील आएगा. 100% वेगन है विद नो पैराबेन और नो हार्मफुल केमिकल्स. नहीं तो काफ़ी ज़्यादातर शैम्पू में ना केमिकल्स यूज़ होते हैं. तो इस तरीके की आपको इसमें बॉटल मिल जाती है, आपको इसे ओपन कर लेना है और देन अपने पाम पे लेके आप इसको लेंगे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सिल्की, इसके जो पार्टिकल्स भी आप देखेंगे तो काफ़ी शाइनी आपको पार्टिकल्स भी शैम्पू में देखने को मिलेंगे. तो मैंने इस तरीके से शैम्पू ले लिया है, देन मैं इसे ना अपने हेड पर लगाऊँगी. आपको इसको जितनी आपकी लेंथ है तो उस तरीके से आपको अपने हेड पर इसको लगाना है, उस हिसाब से आप अपना शैम्पू इसमें ले लीजिएगा. देन आप अपने हेड पे इसको अच्छे से लगाना है, वेट बालों पे आप इसको लगाना और पूरे अच्छे से बालों पे जो पूरे जड़ से आ जाए पूरे अच्छे से आपको इसको लगा के शैम्पू को, देन आपको अपना हेयर जो है ना वॉश कर लेना है. वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरे हेयर है ना 22 टाइम्स शाइनियर हो चुके ओनली इन वन वॉश में, काफ़ी अच्छे से. और हल्के से टावल से आपको इसको डैब डैब करके सुखाना, कभी भी ना बालों को रब नहीं करना चाहिए. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे बालों में कितनी शाइन आ गई है, काफ़ी ज़्यादा मुझे स्मूथ भी देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं हेयर मास्क की. तो जो ये हेयर मास्क है, ये कोकोनट एंड पेप्टाइड स्ट्रेंथन एंड शाइन हेयर मास्क है. इसका जो फॉर्मूला है या टेक्सचर है वो काफ़ी थोड़ा इससे थिक है, जो आपके बालों पे ना अच्छे से पूरे अच्छे से लग जाता है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, थिन ही नहीं है जो पिघल जाए. तो काफ़ी अच्छा थोड़ा थिक टेक्सचर है, तो आपके बालों पर काफ़ी अच्छे से लग जाता है. काफ़ी ज़्यादा क्रीमी भी है, तो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है. इसके लगाने के भी ना आपको 5 बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपके बालों में शाइन लाता है, डीपली कंडीशन करता है, इसके जो फाइबर्स हैं इसमें वो बालों को स्ट्रेंथन करता है, बालों में ना वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऐड कर लेता है. हेयर फॉल भी जो होते हैं ना लोगों के, क्योंकि हम ट्रीटमेंट लेते हैं बालों पे, कभी कलरिंग करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे क्या होते हैं बालों में ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम मिल जाती है. तो ये जो हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है ना उसको भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है. इसकी जो स्मेल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कोकोनट वाली स्मेल है. तो अगेन मैं यही कहूँगी, जितने भी प्रोडक्ट है ना इसके, सब में कोकोनट वाली स्मेल है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगी. ऐसा फील होता है ना कि हाँ आप कुछ अच्छा लगा रहे हैं अपने बालों पर, जिससे आपके बालों को स्ट्रेंथन मिलेगी, बाल सिल्की शाइनी हो जाएंगे. तो आपको ना इसे इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस कर लेने अपने बालों के और बालों पे इसे अच्छे से लगा लेना है. जब आप अपने पूरे बालों पे इसे लगा लेंगे देन आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है. वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ बाल किस तरीके के हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की आपको देखने को मिलेंगे.
इसके बाद बात करते हैं हेयर सीरम की। हेयर सीरम में आपको मिल जाता है कोकोनट एंड स्क्वालिन न्यूट्री शाइन हेयर सीरम। तो ये वाला जो सीरम है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें ना स्क्वालिन की वजह से जो इसकी गुडनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें हेयर शाइनी और सिल्की देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं आफ्टर वॉश जब मैंने मास्क लगाया तो आफ्टर वॉश मेरे बाल कितने सिल्की शाइनी और एक बाउंस ऐड हो चुका है मेरे बालों में, जो मेरे पहले बालों में ना पहले नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा बेजान से लग रहे थे पहले और आप आफ्टर देख सकते हैं आफ्टर वॉश मेरे बाल कितने सॉफ्ट और शाइनी लग रहे हैं। ग्लॉसी लुक देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं इतना अच्छा आपको लगाने के बाद फील होगा। देन मैं बात कर रही हूँ सीरम की। तो सीरम में आपको मिल जाता है कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, विटामिन ई, जो कि हमारे बालों को ना ये ग्लॉसी शाइनी देता है और साथ में जो हमारे हेयर के स्ट्रैंड होते हैं उनको ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अब आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, शाइनी सॉफ्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, वॉश करने के बाद हमारे बाल ना काफ़ी ज़्यादा टैंगल्स हो जाते हैं, तो ये हमारे बालों को डिटैंगल भी करता है। तो आपको कॉम्ब की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं आपको वॉश करने के बाद इसको लगा लेना है, फिर आप देखिएगा ना आपके बाल कितने सॉफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल भी हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है ना बिल्कुल भी, मैंने वॉश कर लिया उसके बाद भी कोई भी हेयर फॉल नहीं हुआ है। और कितने सॉफ्टली मैं अपने बालों से आप देख सकते हैं फिंगर्स को निकाल रही हूँ, बिल्कुल भी उलझ नहीं रहे। तो ये खास बात लगी है मुझे इस सीरम की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इसको डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे ना इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन कोड, मैं आपको कूपन कोड भी दे दूँगी COCO10। मैं आपको 10% ऑफ मिल जाएगा फ्रॉम ऑल प्लम प्रोडक्ट्स पे। सो गाइज, कैसे लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो फ्रेंड एंड फैमिली में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जो भी मैंने प्रोडक्ट आप लोगों से शेयर करें उन सबके जो लिंक्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कि आपको कहाँ से परचेज करना है। तो बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।